और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं मुंबई से, जहां लाखों का नकली मसाला जब्त किया गया है। गुजरात से लाया गया था यह नकली मसाला, यूपी और एमपी में सप्लाई की जा रही थी इसकी। पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी किया। नामी ब्रांड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था, एक कंपनी की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई की गई। गुजरात से यूपी तक फैला था नकली मसालों का यह पूरा खेल। नकली मसाले जो कि एक नामी कंपनी के टैग पर बेचे जा रहे थे, गुजरात से ये नकली मसाला लाया गया था मुंबई, साथ ही साथ यूपी और एमपी में इस नकली मसाले की सप्लाई की जानी थी। एक बड़ा नेटवर्क अलग अलग राज्यों में जो कि फैला हुआ था, लोगों तक ये नकली मसाला पहुंचाया जा रहा था अपनी जेबें भरने के लिए। लाखों का नकली मसाला जब्त किया गया है, दो लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। बड़े पैमाने पर यह नकली मसाला, लाखों में इसकी कीमत बताई जा रही है। नामी ब्रांड से ये लोग नकली मसाला बेच रहे थे। एक 17 मई को हमारे पीएसएफ गुगे और उनकी टीम ने एक टेम्पो में डुप्लीकेट एवरेस्ट मसाला और कुछ मैगी मसाला ऐसा सीज किया था, और उसके बारे में एवरेस्ट कंपनी के सेल्समैन इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किए थे। उसके तो दो आरोपी के खिलाफ में धारा 420 और ये अपना कॉपीराइट एक्ट के तहत गुना दाखिल हुआ था। तो दोनों को कोर्ट में हाजिर करने के बाद उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर ये उन्होंने कहाँ से लाए हैं इसका हम जांच कर रहे थे। जो लक्ष्मी नारायण सोसाइटी है गोधरा सूरत में, तो वहाँ पे जाके उन्होंने छापा मारा, तो वो वहाँ पे गाले में मशीन और वहाँ पे जो ये डुप्लीकेट मसाला बनाने के पूरा साहित्य मशीन के साथ में मिले। कुल मिला के वहाँ पे एक मशीन और ये मसाला डुप्लीकेट मसाला ऐसा 1.5 लाख का मुद्दे में वहाँ पे सीज किया है, और वहाँ से भी जो बनाने वाला था उसको हमने नोटिस दिया है और उसके आगे तपास चल रहा है।